हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, आज मैं आपको टेबल मैट बनाना सिखाऊंगी वुलन से। ये देखो कितना सुंदर और एक फ्लावर के आकार का टेबल मैट है। ये मैं दो कलर से बनाऊंगी, येलो और ब्लू कलर से। देखो इसको कैसे बनाते हैं, सिर्फ 14 फंदों से ही स्टार्ट करेंगे और ये टेबल मैट मैं बना दूंगी। बस 11, 12, 13, 14। देखो फ्रेंड्स, मैंने 14 फंदे डाल लिए हैं। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 फंदे डाल लिए हैं। अब हम इसको उल्टा बुनते हुए ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। ऐसे उल्टा बुनते हुए ये देखो, इस तरह हम ये पूरी सिलाई निकालेंगे। बहुत इजी तरीके से बहुत सुंदर डोरमैट बनता है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे अगर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये देखो लास्ट में हम आ गए हैं। ये देखो एक फंदा मैंने नहीं बुना है, यहीं से हम पलट जाएंगे इस तरह। ये राइट साइड है, राइट साइड भी हम इसी तरह उल्टा बुनते हुए एंड तक जाएंगे। इस तरह हमने ये पूरी सिलाई निकाली। अब ये देखो लास्ट में हम ये फंदा उतारेंगे और वूलन को आगे करेंगे और इस तरह उल्टा उल्टा बुनते हुए ले जाएंगे। ये मैंने 9 नंबर की सिलाइयों से बना रही हूँ। ये दो फंदे, पहले मैंने एक फंदा छोड़ा था, अब ये दूसरा छोड़ दिया, तो ये इस तरह हमारे दो फंदे छूट गए हैं। यहीं से वापस हो लेंगे। अब देखो ये तीसरा फंदा हमने छोड़ दिया। इसी तरह फ्रेंड्स, हम एक एक फंदा छोड़ते हुए जब हमारे यहाँ दो फंदे रह जाएंगे तब मैं दिखाती हूँ आपको, एक एक फंदा छोड़ते हुए बनाते जाना है। देखो फ्रेंड्स, अब हमारे ये दो फंदे यहाँ पर रह गए हैं और हमारे ये देखो एक एक छोड़ते हुए मैं ऊपर तक आ गई हूँ, तो इसको यहाँ से ही हम पलट लेंगे। दो फंदे रह गए हैं, ये देखो इस तरह। अब हम इन दो फंदों को बना लेंगे। दो फंदों को बनाया, अब देखो ये है ना, ये किनारे का फंदा, इसको हम उतारेंगे। अब यहाँ से हम ये पूरी सिलाई को बनाते हुए जाएंगे। ये देखो पूरी सिलाई, हम जो हमारे 14 फंदे थे, 14 फंदे पूरे हम बनाएंगे इस तरह।
पूरे फंदे बना लेंगे हम। अब ये इस साइड में भी हम पूरी सिलाई इसी तरह निकाल लेंगे। उल्टा उल्टा बनाते हुए सारे फंदे हमें, फिर दोबारा से हमारे ये 14 फंदे हो गए हैं। अब 14 फंदों में से हम, जैसे हमने पहले एक फंदा छोड़ा था, वैसे ही अब देखो एक फंदा मैं यहाँ पर छोड़ दूंगी। मैं ये वाली पूरी सिलाई बनानी है, उस तरफ से छोड़ना। यहाँ पे एक फंदा मैंने ये छोड़ दिया है इस तरह। फिर यहाँ से पलट लेंगे हम। देखो फ्रेंड्स, अब हमारे देखो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर हमारे ये दो फंदे रह गए हैं। इस तरह एक एक हम छोड़ते हुए बनाते हुए आए हैं। अब ये देखो, अब यहाँ से भी हम टर्न हो जाएंगे। अब ये हमारे दो फंदे रह गए हैं। दो फंदे रहने के बाद हम, हमारे ये 14 फंदे ये दोबारा से पूरे हो गए। अब यहाँ से हम ब्लू कलर की वुलन लगाएंगे। ये बैक साइड में है, ब्लू कलर की वुलन लगाते हुए इसको बनाएंगे। ये देखो, इस तरह हम इसको अंदर दबाते हुए ले जाएंगे, जिससे कि हमारा ये खुले ना और अच्छा बन जाए। देखो फ्रेंड्स, हम ये ब्लू कलर की वुलन से सारे फंदे बना लेंगे। ये देखो, सारे 14 फंदे हम पूरे बना लेंगे। ये देखो, ये राइट साइड में भी हम इसी तरह उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये राइट साइड है, पूरी सिलाई हम इसी तरह बनाएंगे उल्टे उल्टे। अब देखो, पहला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे। अब ये देखो, ये दो का हम यहाँ पर एक करेंगे। ये दो फंदों का मैंने एक कर दिया है और ये पूरी सिलाई फिर उल्टा उल्टा बनाएंगे। यहाँ पे भी देखना, ये यहाँ पे भी हम, ये देखो दो फंदों का मैं एक कर रही हूँ। ये दो फंदों का मैंने एक किया।
अब ये देखो हमारी ये दो रो हो गई हैं ब्लू कलर से। अब दो रो होने के बाद हम फिर कलर चेंज करेंगे, येलो कलर लगाएंगे। येलो कलर से ये पूरी रो येलो कलर से बनाएंगे। देखो इस सिलाई में हम कुछ भी नहीं करते। अब ये नेक्स्ट ये राइट साइड है, राइट साइड में भी हमको नहीं घटाने हैं फंदे। अब ये देखना ये उल्टी साइड है, बैक साइड। अब इसमें हम पहला फंदा हम ऐसे ही बना लेंगे। अब ये दो फंदे ये हमें दिखाई दे रहे हैं, इसको हम दो का एक कर देंगे। इस तरह इस सिलाई में हमको दो का एक करना है। इस साइड से हमारा दो का एक हो गया। अब जब हम इस साइड आएंगे अब हम इस साइड आए हैं, इस साइड भी हम पहला फंदा ऐसे ही बना लेंगे और यहाँ पर दो का एक कर देंगे। ये देखो इसी तरह हमको बनाते हुए जाना है और दो दो रो येलो कलर दो ब्लू कलर से बनाते हुए हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। अब देखो दो रो मेरी ब्लू येलो कलर की बन गई हैं। अब मैं ब्लू कलर लगाऊंगी, फिर ब्लू कलर से बनाऊंगी पूरी रो। इसी तरह हमको घटाते हुए चले जाना है। अब देखो फ्रेंड इसमें हमको फिर यहाँ पर फिर घटाना है। ये दो का मैं एक कर रही हूँ, यहाँ पर दो फंदों का एक बना दिया। ये देखो इस तरह हम पूरी सिलाई बनाएंगे। अब यहाँ पे भी मैं ये दो फंदों का एक कर रही हूँ। इस तरह मेरी ये येलो ब्लू कलर से भी दो रो बन गई हैं। अब मैं येलो कलर लगाऊंगी। राइट साइड में ऐसे ही बनाते हुए ले जाएंगे। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर फिर मैं दो फंदे घटाऊंगी, ये दो का एक करूंगी। देखो यहाँ पे फिर मैं यहाँ पर घटाऊंगी,
ये दो हैं, दो फंदों का एक कर देंगे। इसी तरह फ्रेंड्स बनाते हुए हम कॉर्नर तक ले जाएंगे। और अगर आप और बड़ा चाहते हैं तो आप बड़ा भी बना सकते हैं ज़्यादा फंदे डाल के। मैंने छोटा ही बनाया है, पर इसी तरह बनाएंगे। बड़ा भी ज़्यादा फंदे डाल लो, 24 फंदे डाल के बना लो तो बड़ा साइज हमारा बन जाएगा। और मैंने वूलन से बनाया है, आप वूलन की जगह कोई भी चुन्नी या साड़ी की पट्टियाँ काट के, पतली पतली पट्टियाँ काट लो और उससे भी बना सकते हो। देखो यहाँ फिर मैं दो का एक कर रही हूँ। देखो मेरे ये चार फंदे रह गए हैं, अब मैं येलो कलर से बनाऊंगी। दो फंदे रह गए हैं ये, अब दो का भी मैं यहाँ पर एक कर दूंगी इस तरह। ये देखो अब ये एक फंदा रह गया, इसको हम इस तरह इसमें से निकाल देंगे। इस तरह इसमें से निकाल दिया और इसको मैं यहाँ से धागे को कट कर दूंगी। मैंने धागे को कट कर दिया, अब देखो ये हमारी पूरी कली बन गई है। ये देखो फ्रेंड्स और भी कलियाँ, मैंने ये तीन कली मैंने येलो कलर से बनाई हैं और ये तीन कलियाँ ब्लू कलर से बनाई हैं। अब हम इसको इस तरह रख के, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, इसी तरह हम इसको सिलेंगे। तो हम सिलेंगे तो हम इसको पलट के सिलेंगे, इस तरह हम इस तरह ये पलट लेंगे तब सिलेंगे। इसको इसके साथ जोड़ेंगे और इसको इसके साथ जोड़ेंगे, फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे और इसको इसके साथ जोड़ेंगे। इस तरह हम पलट के बैक साइड से सिलेंगे। देखो कैसे सिलते हैं, ये वाली कलियों को हम इसे मिलाते हुए इस तरह सही से मिलाते हुए हम सिलेंगे इसको इस तरह। इस तरह मैं ये सिल लेती हूँ। ये देखो इस साइड से धागा पता नहीं लग रहा है, ऐसे हम सिलेंगे एक से एक को मिलाते हुए। मैं सिल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड्स मैंने ये टेबल मैट सिल लिया है और ये देखो बिल्कुल फ्लावर जैसा बन गया है बीच में। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। और मैंने तीन ये इसके ऑरेंज कलर से बनाए थे, तीन ब्लू कलर से बनाए थे, तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरा डोरमेट पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट करके फ्रेंड्स ज़रूर बताना आपको ये मेरा टेबल मेट कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय।